गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज मैं आपको साइंस स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाली हूँ। व्हाट डिड पूनम सी, पूनम ने क्या देखा। व्हाट डिड पूनम सी मतलब पूनम ने क्या देखा। पूनम वॉज एट होम, सी वॉज सिक। पूनम घर पे थी, वो बीमार थी। माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे, माँ मुझे आज घर पे ही रहना है, ऐसा पूनम ने अपनी माँ से कहा। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट टू डेज, मैं दो दिनों के लिए घर पे रहने वाली हूँ। आई एम गेटिंग बोर, मैं बोर हो जाऊँगी, ऐसा पूनम ने अपनी माँ से कहा। यू स्टिल हैव फीवर, क्योंकि उसको फीवर था। फीवर मीन्स होता है बिखार। यू स्टिल हैव अ फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन द कोट, वो बाहर की ओर गई एंड कोट पे सो गई। कोट मतलब होता है खाटला। पूनम वेंट आउट, पूनम बाहर गई। सी फेल एस्लीप ऑन द कोट, जब वो बाहर की ओर सो रही थी खाटले पे, सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस, कुछ उसने अपने फेस पे देखा। पूनम वॉक अप एंड वंस एंड टच हर चीक, पूनम उठी एंड अपने चीक को टच किया। कौन, पूनम ने किया। ओह नो, ये क्या है। हुज मिसचीफ इज दिस, ये किसका मिसचीफ है। इट इज़ क्रो और अ पिजन, या तो ये क्रो के हैं या फिर पिजन के हैं। इट सीम्स इज इफ क्रो, ये तो क्रो के हैं। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे पूनम लुक्ड अप, पूनम ने देखा। सी सो मेनी एनिमल्स ऑन द ट्री, ट्री में बहुत सारे एनिमल्स को देखा। राइट डाउन देयर नेम, अब उसके आपको उसमें नेम लिखने हैं। यहाँ पे आपको बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे बॉक्स में आपको उसके नेम लिखने हैं। सबसे पहले थिंक एंड राइट, सबसे पहले हम सोचेंगे और लिखेंगे। सबसे पहले राइट द नेम ऑफ बर्ड्स विच यू हैव सीन, तो यहाँ पे लिखना है कि कौन से बर्ड्स आपने देखा। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स में भरेंगे पिजन, मंकी, क्रो, स्क्वायरल, स्पैरो, स्क्वायरल, बटरफ्लाई एंड एंट एंड कुकू, ये सारे एनिमल्स को उसने बर्ड्स पे देखा। पूनम पिक्ड अप ए लीफ फ्रॉम द ग्राउंड, पूनम ने एक लीफ्स उठाया। पिक अप मतलब उठाना, ग्राउंड, ग्राउंड से एक लीफ्स को उठाया। एंड विप्ड हर फेस, चिक अपने चिक को साफ किया। विथ इट बट चिक वॉज वेरी स्टिल स्टिकी, स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा। सी थॉट लेट मी गो टू वॉश माई फेस इन नियर बाय पॉन्ड, तो उसने सोचा कि मैं जो नियर बाय पॉन्ड है उसमें अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। विच एनिमल्स डिड पूनम सी द पॉन्ड, अब आपको पूनम ने वहाँ पे पॉन्ड में कौन कौन से एनिमल्स को देखा। थिंक एंड राइट, अब आपको यहाँ पे सोचना है और उसके नेम्स लिखने हैं। तो सबसे पहले बॉक्स में हम लिखेंगे बफेलो, फ्रॉग एंड स्वान, ये सारे एनिमल्स को पूनम ने पॉन्ड में देखा। दूसरे पेज में हम पढ़ेंगे कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड, क्या हम बहुत सारे पॉन्ड में बहुत सारे एनिमल्स एंड देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट दिस इज एनिमल मेक, बहुत सारे साउंड एंड मूवमेंट होते हैं उस एनिमल के। ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड एंड मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, सारे एनिमल्स के साउंड और जो मूवमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। साउंड मतलब होती है आवाज़ एंड मूवमेंट मतलब होती है जो मूव करता है, गति करता है। अनदर सम एनिमल्स वॉक, सम क्रॉल, डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हैं। सम एनिमल वॉक, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो वॉक करते हैं, वॉक मतलब चलना। सम क्रॉल मतलब रेंगता, रेंगना। सम फ्लाई मतलब उड़ना। सम एनिमल्स स्विम, कुछ तैरते हैं। सम एनिमल्स हॉप, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कूदते हैं। अब थिंक एंड राइट, अब आपको सोचना है और लिखना है। हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के हैबिटेट, हैबिटेट मतलब होते जहां वो रहते हैं, उनका घर। लिव इन बूरो, तो यहां पे बूरो में कौन रहता है। लिव इन नेस्ट, नेस्ट में कौन रहता है। लिव इन हाउस में कौन रहता है। लिव इन वाटर, तो सबसे पहले हम देखेंगे लिव्स इन बूरो, तो बूरो में कौन रहेगा, रैबिट, स्नैक एंड रैट। उसके बाद लिव्स इन नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला होता है, तो घोंसले में कौन रहेगा, स्पैरो, पिजन, कुकू एंड पैरट। लिव्स इन हाउस, हाउस में कौन रहेगा, काउ, कैट, डॉग, बफेलो। एंड लिव्स इन वाटर, फिश, फ्रॉग, डक एंड टर्टोइस। उसके बाद देखेंगे हम रिकलेक्ट एंड राइट, अब आपको लिखना है एंड रिकलेक्ट करना है। सबसे पहले देखेंगे कैन फ्लाई, तो कैन फ्लाई मतलब क्या होगा, जो उड़ सकते हैं। कैन वॉक मतलब होता है जो चल सकते हैं। कैन क्रॉल मतलब जो रेंग सकते हैं। कैन हॉप मतलब जो कूद सकते हैं। तो इसमें होगा कैन फ्लाई में क्या होगा, क्रो एंड ईगल एंड पैरट, वो क्या कर सकते, उड़ सकते हैं। कैन वॉक, कौन चल सकता है, क्रो, डॉग एंड कैट। कौन क्रॉल कर सकता है, कौन रेंग सकता है, स्नैक, अर्थवर्म। एंड कैन हॉप, कौन कूद सकता है, कंगारू, फ्रॉग एंड मंकी। अब हम देखेंगे हैव टेल, किसके पास पूंछ होती है, तो टेल किसके पास होगी, एलिफेंट के पास, मंकी के पास एंड को काउ के पास। अब हैव हॉर्न, सींग किसके पास होगी, बफेलो, शीप, गॉड। वॉक ऑन अ वॉल, वॉल पे कौन चलता है, दीवार पे कौन चलेगा, लिजर्ड, कॉकरोच, अर्थवर्म, कॉकरोच।
एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे रह सकते हैं. सम एनिमल लिव इन ट्री, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ट्री पे रहते हैं. सम एनिमल ट्री, सम एनिमल इन वाटर, कुछ वाटर पे रहते हैं. सम एनिमल लैंड, कुछ लैंड पे. सम एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ लैंड पे रहते हैं. सम एनिमल लिव्स अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड मतलब होता है ज़मीन के अंदर. सम फ्लाई जो उड़ सकते हैं, सम द स्काई, स्काई पे उड़ सकते हैं. सम एनिमल इवन इन आवर हाउस, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे हाउस में रह सकते हैं. फिर इन कलर, अब आपको यहाँ पे देखना है कि फील कलर करनी है. फील मीन कलर, मतलब कलर को फील करना है. एट दस हुड ड्रिंक वाटर बाय द हेल्प ऑफ टंग, इसमें से कौन अपने टंग से पानी पीता है, उसमें कौन सा कलर होगा, रेड कलर. एंड ग्रीन कलर किस में होता है, जो लिप से अपने पानी को पीता है. तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे एनिमल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, उसमें आपको रेड और ग्रीन कलर करना है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको ग्रीन कलर किया हुआ है काऊ में. काऊ क्या करता है, अपने किसे पानी पीता है, ग्रीन कलर में क्या है, एट दस हुड ड्रिंक वाटर हेल्प ऑफ लिप, लिप्स के सहारे वो पानी पीता है. और लायन में रेड कलर होता है. तो रेड कलर क्यों है, कि क्योंकि वो अपने टंग से पानी पीता है. इस तरह पूरे में आपको ये कलर फिलअप करने हैं. अब हम देखेंगे स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, ऑब्जर्व एनिमल केयरफुली, नेम द एनिमल, कैन यू कैन बी सीन. अगर आप ट्री के नीचे कुछ देर बिताओगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा. ऑन द ट्रंक, ट्री के सबसे ऊपरी वाले भाग में किसको हम देखते हैं, बर्ड्स को. तो वो होता है ईगल, आउल एंड क्रो, ट्री के सबसे ऊपर वाले भाग में जाके बैठता है. ऑन द ग्राउंड, ट्री के नीचे किसको हम देखते हैं, काउ, शीप एंड गॉड. और ऑन द ब्रांचेस, ट्री के ब्रांचेस, जो ब्रांचेस होती है शाखाएँ होती है, उसमें कौन जाके बैठ रहता है, मंकी, बर्ड्स एंड स्क्वेरल. ऑन द लीव्स, पत्तों पर कौन रहता है, कैटरपिलर, ग्रास ऊपर एंड अराउंड द ट्री, ट्री के चारों ओर किसको हम देखने को मिलता है, हमें डॉग, कैट एंड काउ. एंड एट अदर प्लेस, और अदर प्लेस में हम कौन कौन से एनिमल्स देखते हैं, शिप, गॉट एंड बफेलो. नाउ अरेंज दिस इज एनिमल इन दिस ऑर्डर ऑफ देयर साइज, एनिमल बींग द फर्स्ट. अब आपको अरेंज करनी है एनिमल की साइज के हिसाब से, उस एनिमल्स के नेम लिखने हैं और उसको अरेंज करनी है. तो सबसे पहले इस बॉक्स में आपको उस एनिमल्स के नाम फिलअप करने हैं जो एनिमल सबसे छोटा है. तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स में लिखा है रेड, कैट, डॉग, शिप, काउ, हॉर्स, कंगारू, कैमल एंड एलिफेंट. ये सारे एनिमल होते हैं, वो अपने साइज के अनुसार ये बॉक्स में आपको सजाना है.